भोपाल में डायबिटीज को लेकर 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां चिकित्सकों ने डायबिटीज को बड़ा खतरा बताते हुए कहा कि हर पल भारत में डायबिटीज के मरीज बढ़ रहे हैं। डायबिटीज भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली बीमारी है और लगातार डायबिटीज के मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी को नजर में रखते हुए राजधानी भोपाल में मिंटो हॉल में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य है कि डायबिटीज और हार्ट से संबंधित बीमारियों पर कैसे अंकुश लगाया जाए। 26 राज्यों के डॉक्टर संगोष्ठी में शामिल हुए। वहीं जयपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रायपुर के मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राएं भी संगोष्ठी कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। हार्ट की कॉन्फ्रेंस होती है, कार्डियोलॉजी की होती है या फिर डायबिटीज की होती है, ये एक यूनिक कॉन्फ्रेंस है जिसमें हार्ट प्लस डायबिटीज दोनों के विश्व ख्याति के व्यक्ता एक ही मंच पर उपस्थित होंगे, क्योंकि हम देखा है दोनों बीमारी इंटरलिंक होती हैं। आमतौर पर एक ही बीमारी डिस्कस होती है हमेशा, तो ये एक यूनिक इस फॉर्म में अलग कॉन्फ्रेंस रहेगी, क्योंकि दोनों दोनों शब्द दोनों विषय एक ही मंच पे, जब दोनों विशेषज्ञ उस विषय को आपस में डिस्कस करेंगे तो दोनों विषयों की जो जटिलता है वो उसको आसानी से हम समझा जा सकता है और उसका जो परिणाम निकलेगा वह इन्फॉर्मेशन मरीजों के इलाज में एक अहम भूमिका निभा सकता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो पेशेंट को चेस्ट पेन नहीं होता, प्रमुख सिम्टम हार्ट अटैक का होता है कि चेस्ट पेन होना, कई बार चेस्ट पेन ना हो उसको सिर्फ कई बार घबराहट होती है या फिर सांस लेने में तकलीफ आती है या चक्कर आ जाते हैं, वो कई बार डायबिटीज़ में बहुत कॉमन होता है। डायबिटीज़ में कई बार जो नर्व्स होती हैं वो डैमेज होती हैं तो पेन का सेंसेशन खत्म हो जाता है, कई बार तो अंदर इधर डैमेज होता है, लेकिन इसमें दूसरे संकेत मिलते हैं हमें जिससे पता लग जाता है कि वो उसको कुछ हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है। कुछ ब्लड के जाँचें होती हैं उससे पता लग जाता है, इकोकार्डियोग्राफी से पता लग जाता है, तो कुछ भी अनयूजुअल सिम्टम्स हो, सांस फूलना अचानक, सबसे पसीना आना अचानक बहुत तेज, तो ये सब से लक्षण होते हैं साइलेंट अटैक के। नहीं, वैक्सीन को अपन ब्लेम करना बहुत ही गलत होगा। अब आपको अभी 2 दिन पहले ICMR की बहुत बड़ी रिसर्च आई है, उसमें उन्होंने क्लीन चिट दी है कि वैक्सीन को, कि वैक्सीन की वजह से नहीं हुआ है। हाँ, कोरोना की वजह से क्या होता है, कोरोना में ब्लड ब्लड को गाढ़ा करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। कोरोना वायरस वायरस जब ब्लड में जाता है तो वो जो प्लेटलेट्स होते हैं उसको आपस में चिपकाता है, तो प्लेटलेट्स जब चिपकते हैं तो खून में गाढ़ापन आता है, लेकिन ये जो गाढ़ापन होता है जो कोरोना की वजह से जो होता है ये 6 महीने तक ही सीमित रहता है। कोरोना की बीमारी 6 महीने के बाद अगर किसी को हुआ है तो कोरोना को ब्लेम करना गलत होगा। Within 6 months अगर कोविड से कुछ होता है तो हम बोल सकते हैं कि हो सकता है उसकी वजह से हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको 2-2.5 साल पहले कोविड हुआ हो, आज हो रहा तो आप उसको कोविड को ब्लेम करें। आपको देखना है कि आपको बाकी रिस्क फैक्टर्स तो नहीं हो रहे, कहीं आपको शुगर तो नहीं है, आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं है, आप स्मोकिंग तो नहीं करते, फैमिली इश्यू तो नहीं है, आपके कोलेस्ट्रॉल कितना है, आपका मोटापा कितना है, ये 5-6 रिस्क फैक्टर्स आपने रूल आउट कर लिए, उसके बाद भी अगर अटैक हुआ तो फिर अपन सोच सकते हैं भैया कुछ दूसरे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन 90% ऑफ द केस में 6 फैक्टर जो बताए वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं अटैक के लिए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।